मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित श्री हरि वृद्धाश्रम में निवास करने वाले 95 वर्षीय कन्हैयालाल सिंधी का पूर्ण मान सम्मान के साथ पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में देहदान और नेत्रदान किया गया, जहां एनाटॉमी विभाग की हेड प्रोफेसर डॉक्टर युगांती डॉक्टर पूर्वा, CHMO डॉक्टर सुभाष, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज वृद्ध आश्रम अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा, श्री वेद प्रकाश शर्मा सहित समस्त स्टाफ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। श्री कन्हैयालाल सिंधी जून 2022 में श्री हरि वृद्धाश्रम आए थे। शहर के रेलवे स्टेशन के पास होटल बॉम्बे विलास में उन्होंने आजीवन रसोइये का काम किया। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते थे और सारा शहर उन्हें कन्हैया सेठ कहकर पुकारता था। बहुत परिश्रमी होने के साथ साथ वह एक अच्छे पिता थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों लक्ष्मी और बबली का विवाह बहुत धूमधाम से किया। एक बेटे का भी विवाह किया, परंतु बेटा विवाह के पश्चात अलग हो गया। बढ़ती हुई उम्र की अवस्था के साथ उनसे होटल में खाना बनाना दुभर होने लगा। उनसे बहुत कम काम करा जाता था। गंभीर आर्थिक परेशानी के बीच मकान मालिक ने उनसे घर का किराया न देने के कारण घर से निकाल दिया। पत्नी भी उन्हें छोड़कर बेटी के पास चली गई। तब होटल बॉम्बे विलास के मालिक ने उन्हें श्री हरि वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी और उन्हें लेकर आश्रम आए। तभी से वह श्री हरि वृद्धाश्रम में निवास कर रहे थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। अब प्रसन्न खुश मुस्कुराओ, आपको नींद आ जाएगी। नींद की कमी है इसके वो हो जाएगी। आपके कहने में चिंता ज़्यादा करता हूँ। इसी जाके अंदर मेरे 70 साल इसको देखता। मैं डॉक्टर सुभाष बगड़े CMO पीपल्स हॉस्पिटल कैजुअल्टी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा का कन्हैयालाल जी का बॉडी का डोनेशन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे अस्पताल के लिए, हमारे कॉलेज के लिए। ये पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है और हम चाहते हैं कि हर वृद्ध यही काम करे और हम सबको मोटिवेट करें ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वृद्धाश्रम में अपने बॉडी डोनेट करें, अपने ऑर्गन डोनेट करें। इनका आइस का भी डोनेशन चल रहा है, अभी आइस भी ये डोनेट कर रहे हैं। बोला करो। हाँ, सबका मेरा बेटा है, सबको बोलूँ मेरा बेटा ही था। बड़े साहब मेरे बेटे हैं, इंसान को कहते हैं जरा सी खुशी देते तो इंसान फूल जाता। कोई भी मैंने चारों तरफ से कहा गम गम खा गए बस। बता जी। नहीं, क्या समस्या रहती है? समस्या यही है कि मेरे को नींद बिल्कुल आंखों में है ही नहीं। और बाकी आप वाली सही बात है कि चिंताएं बहुत करता हूँ। मेरी लड़की लखपति, तो लड़का लखपति, इतने लखपति हो गए, मैं परेशान हूँ। बस वो बात है। और आपसे कोई झूठ बोलने का काम नहीं। तो रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब आप क्या महसूस? जब मैं जगता ही रहता हूँ, पूरी रात जगता हूँ, इसलिए चक्कर से आते हैं। वही बीमारी है मेरे को। नींद अगर आ जाए ढंग से तो बीमारी नहीं है। नींद नहीं, ऊपर उम्र भी इतनी हो गई है कि ऊपर वाले को बोलता आप तो बुला ले भाई, अब नहीं चल पाता हूँ मैं। कितनी साल के हो गए? मैं तो अब 96 साल का हूँ। मैं पाकिस्तान का पैदा हूँ, कराची का। कराची में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था 11 साल का था मैं। उम्र तो बहुत है मेरे सामने, न जाने कितने मर गए। तो आपको टेंशन किस बात का रहता? टेंशन यही है कि मैं विदिशा के अंदर, आप मानोगे नहीं, मैं बहुत बड़ा सेठ था। मेरा नाम अभी आप बाजार में चलोगे ट्यूशन पे ना, सब बोलते के के सेठ, अच्छे अच्छे लखपति। तो इस वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बच्चों का क्या टेंशन रहता जी? बच्चों का क्या टेंशन रहता है आपको व्रत यहाँ पे रहने के दौरान? ये टेंशन है कि देखो, एक लड़की जो यहाँ पे आई थी छोटी वाली, 3rd नंबर, वो भी लाखों में खेल रही है, बड़ी भी लाखों में खेल रही। दोनों लड़के अच्छे, दामाद अच्छे हैं, दुकानें हैं, मकान अपने हैं, सब कुछ। लेकिन मेरे पास कुछ भी एक बर्तन गिलास पीने को तक नहीं। और मैं क्या था और क्या हो गया, और नींद, भगवान करे नींद आ जाए ना, फिर भी टेंशन नहीं होता। नींद आती नहीं बिल्कुल। लड़का जेल में पड़ा वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।